दोस्तों आज हम कवर करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम महिलाओं से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको यहां से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की पहली स्वतंत्र महिला निर्देशक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन बी जय श्री व्यास तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली स्वतंत्र महिला निर्देशक चुनी गई है जय श्री व्यास। अब देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अस्थायी स्वीकृति प्रदान की थी। अब भारत सरकार ने 31 अगस्त 1957 को BSE को स्थायी स्वीकृति प्रदान की। और वर्तमान में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार BSE विश्व का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली नेत्रहीन महिला IAS कौन है? ऑप्शन सी प्रंजल पाटिल। देखिए देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS है प्रंजल पाटिल। ये केरल कैडेट से आती है और वर्तमान में ये अपनी सेवाएं दे रही हैं तिरुवनंतपुरम में सब कलेक्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल कौन बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए पोंग डोमिंग और ये कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है पोंग डोमिंग और ये अरुणाचल प्रदेश से आती है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन है? ऑप्शन बी विंग कमांडर अंजलि सिंह। देखिए विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक है विंग कमांडर अंजलि सिंह और इन्हें रूस में भारतीय दूतावास में डिप्टी एयर अताशे के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए कैप्टन आरोही पंडित। अब देखिए कैप्टन आरोही पंडित ने ऐसे ही अटलांटिक महासागर को पार नहीं कर लिया मेरे भाई, इसके लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली और खराब से खराब मौसम में भी विमान उड़ाने का हुनर सीखा, तब जाके 3000 किलोमीटर का सफर वो तय कर पाई। और जिस विमान में उन्होंने ये सफर तय किया वो एक छोटे इंजन वाला हल्का विमान था जिसका वजन था 400 किलोग्राम और उस विमान का नाम था माही। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? ऑप्शन डी चंद्रिका साहा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है चंद्रिका साहा। नेक्स्ट, मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन ए ऐश्वर्या पिसे तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है ऐश्वर्या पिसे और ये कहां से है? बेंगलोर से। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल पूरा करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला कौन बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी मिताली राज। देखिए मिताली राज ऐसी पहली भारतीय क्रिकेटर महिला बन गई है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट, 100 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर। देखिए 100 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला बन गई है हरमनप्रीत कौर, ये कहां से है? पंजाब के मोगा से। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, 100 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, अगर इसका जवाब पता हो तो भाई कमेंट्स में बता दीजिए, नहीं पता तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट, गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए पायल जांगिड, ये कहां से है? राजस्थान से। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो देखिए राजस्थान में बाल विवाह बाल मजदूरी के खिलाफ इन्होंने लोगों को जागरूक किया, आवाज उठाई, आंदोलन चलाए, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है?
ऑप्शन बी दिव्या कर्नाड। अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो देखिए, समुद्री संरक्षण पर किए गए इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आप एक दो बार भी ये क्विज सोल्व कर लेंगे ना तो आपको ये सब कुछ इजीली याद हो जाएगा। एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बन गई है? ऑप्शन बी हीना जायसवाल। देखिए एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई है हीना जायसवाल। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में फ्लाइट यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए विंग कमांडर शालिजा धामी। देखिए भारतीय वायुसेना में फ्लाइट यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली भारतीय महिला है विंग कमांडर शालिजा धामी। नेक्स्ट, इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? ऑप्शन सी शुभांगी स्वरूप। ये इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बन गई है। नेक्स्ट, MiG-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए अवंती चतुर्वेदी। देखिए इन्होंने 19 फरवरी 2018 को गुजरात के जामनगर एयरबेस से MiG-21 में उड़ान भरी और इसी के साथ ये MiG-21 में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन? अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट, भारत की पहली आदिवासी कमर्शियल महिला पायलट कौन बन गई है? ऑप्शन डी अनुप्रिया। देखिए भारत की पहली आदिवासी कमर्शियल महिला पायलट बन गई है अनुप्रिया। ये उड़ीसा के माओवादी प्रभावित मालकंज जिले से आती है। नेक्स्ट, आईसीसी की पहली महिला मैच रेफरी कौन बन गई है? ऑप्शन ए जी एस लक्ष्मी। आईसीसी की पहली महिला मैच रेफरी बन गई है जी एस लक्ष्मी। नेक्स्ट, पुरुषों के वनडे क्रिकेट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला है? ऑप्शन बी क्लेयर पोलोसाक। ये कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले मिलता आपको एक प्यारा सा अपडेट। आप लोगों को टेंशन रहती है पीडीएफ, तो भाई इन सभी वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारी ऐप पर जिसका नाम है जीके महात्मा जी मोस्ट। प्ले स्टोर पर जाइए, आप वहां पर सर्च कीजिए जीके महात्मा जी मोस्ट या फिर जीके महात्मा जी मोस्ट करंट अफेयर, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। वहां से आप इन सभी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? आपको पीडीएफ सेशन में एक कॉलम मिलेगा आज का पीडीएफ और वहीं पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। आप क्विज भी सोल्व कर सकते हैं। अभी हमने ऐप को लॉन्च किया है, धीरे धीरे हम उसमें डेटा फीड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। और भाई आपको सभी पीडीएफ मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो भाई जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए जीके महात्मा जी मोस्ट ऐप को, और भाई ऐप बढ़िया लगे तो 5-स्टार रेटिंग दे देना, बाकी आपकी मर्जी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फुटबॉल लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए स्टेफनी फ्राफर्ट। ये फुटबॉल लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई है